सर, शुरुआत हम सबसे पहले जयनारायण व्यास सर से ही कर लेते हैं। जयनारायण व्यास सर, जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे मणिपुर में और उसके बाद से जो तमाम घटनाएं हुई, हालांकि इन सबके बावजूद भी राहुल गांधी रुके नहीं, वो लगातार जो है वो आगे बढ़े, वहां पर गए, लोगों के बीच में लोगों से मिलने का काम किया। इस पूरी घटना में जो सरकार का रवैया रहा सर, वो बेहद संदेहास्पद रहा। तो अब राहुल गांधी क्या वहां पर जो खबरें आ रही हैं, क्या प्रेस वार्ता और ये सारी चीजों का, तो राहुल गांधी लोगों से मिलने के बाद क्या कुछ वहां से अब तक निकल करके आप लोग के पास आया है, कुछ वहां से जानकारियां अगर आई हो अब तक तो पहले सर एक बार हम लोग को भी थोड़ा उसको साझा करें। कि जो भी परिस्थिति आज मणिपुर में उठ खड़ी हुई है वो कांग्रेस की नफरत की फैक्ट्री का होलसेल एग्जीबिशन है। उन्होंने जो किया है मैथी और कुकी और नगा ट्राइब्स के साथ, जो इलेक्शन में अपनी रोटी पकाने के लिए, इसके परिणाम आज हम जमीन पे देख रहे हैं। और ये परिणाम सिर्फ मणिपुर में ही दिख रहे हैं ऐसा नहीं, आने वाले समय में और जगहों पे भी दिखेंगे। एक या दूसरा मुद्दा लेकर जो आज तक नहीं हुआ, कैसे नफरत फैले, कैसे झूठों में हाथापाई हो, कैसे लोग ध्रुवीकरण की नीति के शिकार हो, ये अब भाजपा बौखला गई है। कर्नाटका की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी इस तरह बौखलाई हुई है कि कोई इसका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें बाकी था जो परिस्थितियां राजस्थान और मध्य प्रदेश में उनके लिए खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में जो सिंधिया के एक जमाने में वो उनको लेकर आए थे बड़ा असेट समझकर, अभी बड़ी लायबिलिटी बन के उभर रहे हैं। और राजस्थान में भी कांग्रेस की परिस्थिति अच्छी है और जो भी छोटे मोटे उनके मतभेद थे वो हाईकमांड ने साथ बैठ के सुलझा दिए। तो मैं मानता हूं कि अभी जो अभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के रिएक्शन आएंगे वो बौखलाहट के और घबराहट के रिएक्शन आएंगे। और जब आज कोई किसी भी संस्था या व्यक्ति बौखलाहट में या घबराहट में कोई निर्णय लेती है तो मैं मानता हूं कि हमेशा अतिशयोक्ति होती है, अग्रेशन होता है और कभी कभी गलत कदम भी उठ जाते हैं। बात की आपने संबित पात्रा की, संबित पात्रा खुद डॉक्टर है, डॉक्टर ही छोड़ के वो राजनीति में पड़े हैं, न तो एक भी चुनाव लड़े नहीं, न कुछ क्षेत्र में जाकर डायरेक्टली प्रजा के बीच काम करने का उन्हें अनुभव है। तो ये रटी रटाई हुई बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उनको बोली जाती है वो आके उगल देते हैं और बदले में भारतीय जनता पार्टी ने भी इनको एक बेरोक टोक टॉकिंग मशीन बना के रिवॉर्ड भी कर दिया है ONGC, जिसमें उनको कोई लेना देना नहीं उनके डॉक्टर एजुकेशन को लेके, वहां डायरेक्टर बना दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी आजकल इतनी बड़ी जो अभिमन्यु का चक्र वो कहते हैं उसमें फंसी है कि कब कौन सा तीर कहां से निकालेगी वो, उसका कोई भरोसा नहीं। एक बात सही है, उनके पास जो भी तीर अपने तरकश में बचे हैं वो नफरत के तीर हैं, विभाजन के तीर हैं, ध्रुवीकरण के तीर हैं, क्योंकि जो हकारात्मक बात कही जाए वो तो कुछ उसने कही नहीं। एक बात, दूसरी बात, अब ये जो उन्होंने बहाना बनाया कि राहुल जी वहां जाएंगे तो उनपे हमले का डर है, तो ये तो इनका खुलेआम सर्टिफिकेशन या स्वीकृति है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्रीय बल वहां करीब 50,000 के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। तब आप ये कह रहे हो कि आपके राज्य में एक नेता अगर जो हुआ है और वो हादसा भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 100 से अधिक चर्च जला दिए गए हैं, डजनों मंदिर ध्वस्त किए गए हैं, एक दूसरे एक हिली ट्राइब जो वैली में रहते मैथी वो एक दूसरों को मारने पे उतारू है, तब अगर राहुल जी वहां जाना चाहते हैं आप में तो हिम्मत नहीं, आप उससे अपना पाला झाड़ के अमेरिका भाग जाते हो, आपकी प्रायोरिटी में मणिपुर का कोई स्थान नहीं। गृह मंत्री जी जाके कहां जाते हैं, क्या करके आते हैं, भगवान जाने, उनकी कोई भी वहां जाने के बाद कोई सुधार हुआ हो परिस्थिति में
ऐसे कोई एक भी आसार नहीं दिख रहे। ऐसे समय पे मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि कांग्रेस की ये मूव और राहुल गांधी जी का जो आजकल कद बना हुआ है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और वो कद को उन्होंने बढ़ावा दिया है इनको पार्लियामेंट में से खारिज करके, वो घबरा रहे हैं कि ये जाएंगे देखेंगे बोलेंगे तो उसको तवज्जो मिलेगा, वर्ल्ड प्रेस में भी इसकी कहीं ना कहीं बातें आएगी। तो आजकल जो भाजपा की रिएक्शन है मणिपुर के बारे में, वो बिल्कुल बौखलाहट की रिएक्शन है और नाकामी की रिएक्शन है। उनको पता नहीं चलता किस तरह से परिस्थिति संभाले, और एक दफा ये लोग परिस्थिति किस तरह संभाले उसके बौखलाहट में आ जाते हैं। फिर जो गुजरात में हुआ गोधरा दंगों के बाद, वही दृश्य आपको सामने देखने मिले, इस तरह की परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो मैं मानता हूं कि गलत बात है, आप अपनी नाकामी खुलेआम स्वीकार करते हो कि हम एक नेता जो कोई कोई वहां उकसाने के लिए गए नहीं है, जिनके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, पार्लियामेंट के सदस्य भी नहीं रहे हैं, वो जाके प्रेम से प्रजा के जो जख्म है उनपे मरहम लगाना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, उनकी बातें सुनकर उसे उजागर करना चाहते हैं, वास्तविक परिस्थिति से अपने आप को अवगत कराना चाहते हैं, उनको आप जाने नहीं देते वहां। यानी उसका मतलब ये भी यही हुआ कि आपने मणिपुर को ऐसा एक क्लोज सेल में रख के छोड़ा है कि किसी को कुछ इसके बारे में जानने की जानकारी न मिले, कोई जान भी न सके, और ऊपर से आप ये इस तरह की बातें करें, 2500 रुपया हेलीकॉप्टर का चार्ज होता है। अरे भाई, संबित पात्रा कौन होते जो अपना गुजारा डॉक्टरी नहीं करके ONGC के डायरेक्टर की या और कोई आवक होगी, उनकी आवक तो कहीं ना कहीं से होगी, चाहे रिटर्न में बताई जाए वाली आवक हो या ना बताई जाए वाली हो, आवक हो हमें कोई पता नहीं है। संबित पात्रा जी पूर्णकालीन आजकल प्रवक्ता है, तो ये इनकी और आवक तो होना, शायद अगर कोई अदानी की तरफ बिजनेस भी करते हैं तो अलग बात है, मगर संबित पात्रा को कोई अधिकार नहीं इस मुद्दे पे बोलने का। उनको क्या माहिती है मणिपुर कहाँ आया, ये सेवन सिस्टर्स क्या है उसकी क्या माहिती है इनको, और किस तरह की प्रवृत्ति परिस्थिति वहां प्रवर्तमान है उनकी, उन्हें क्या माहिती, उसका इतिहास क्या है, उसकी क्या माहिती है उनको। तो मैं मानता हूं कि राहुल जी को रोक के इन्होंने एक बड़ी गलती की है, और अब वो गलती को जस्टिफाई करने में दूसरी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और नाकामी, बिल्कुल एक राज्य सत्ता है वो, एक कह सके खुलेआम कि हम विपक्ष के एक नेता को वहां जाने नहीं दे सकते, क्योंकि एक ग्रुप ने इनके साथ दुर्व्यवहार करने का या उनपे हमला करने की धमकी दी है। तो आपके पास इतनी पुलिस की फौज है, सेंट्रल फोर्सेस है, कर क्या रहे हैं आप, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप लॉ एंड ऑर्डर की? दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर इज फेल्ड इन मणिपुर, एंड दैट दे हैव एक्सेप्टेड, एंड सिंस दे हैव एक्सेप्टेड, द ओनली वे लेफ्ट आउट फॉर द गवर्नर ऑफ मणिपुर इज टू रिकमेंड द सस्पेंशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, पुट इट अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल एंड मेक श्योर दैट द लॉ एंड ऑर्डर और लॉ ऑफ जस्टिस प्रिवेल्स। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द करंट सिचुएशन। एज द डिस्कशन गोज फर्दर वी विल इंटरेक्ट। थैंक यू सर। नफरत की जो राजनीति है, जिसकी बात आप लोग बार बार उठा रहे हैं, आज भी अभी महंगाई के मुद्दे को लेकर के खड़गे जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है कि नफरत परोस रही है भाजपा, झूठ और नफरत परोसने का काम कर रही है, अच्छे दिन दिख रहे हैं। एक तरफ लोग महंगाई से त्रस्त हैं, दूसरी तरफ भाजपा अच्छे दिन वाली बात कर रही है। तो ये जो नफरत का आप कह ही रहे हैं कि वो नफरत का ही नफरत वाली राजनीति उनको सूट करती है, तो क्या ये जो मणिपुर की पूरी घटना है इसमें ये समाज को बांट करके और उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और भी कारण आप लोग देख पा रहे हैं? देखता हूं इसमें, एक तो जो बात कही आपने नफरत की राजनीति की, वो भारतीय जनता पार्टी का स्पेशलाइजेशन है। अगर वो निकाल लो आप, तो उनके पास कोई ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है जिसके जरिए वो इलेक्शन जीत सके। उल्टा अटल जी के साइड पे समय में जिस तरह से शाइनिंग इंडिया फेल हुआ, तो ये लोग अब मान के बैठे हैं कि ये विकास की बात से कोई इलेक्शन नहीं जीता जाता।
आपको कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है उसको बहकाना होता है। तो ये लोग उस लाइन पे चल रहे हैं, चलेंगे। मगर एक बात मैं भी देख रहा हूं कि जिस तरह से एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सफल होते थे, आज वो सफलता का ग्राफ काफी नीचे उतर चुका है। मैं भी एक कम्युनली सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और जो पहले राम मंदिर के नाम पे, रामशिला के नाम पे इन लोगों ने कम्युनल पैशन खड़ी की थी, आज उनके पास वो बात नहीं है। तो ये वहां भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स अभी काम कर रहा है, मगर इनके पास है वो जो जिस चीज के स्पेशलिस्ट है वो चीज के सिवा और कुछ तो उन्होंने देखा नहीं। विकास की राजनीति से वो घबराए हुए हैं, क्योंकि अटल जी को सत्ता खोना हुआ था उसकी वजह से। तो ये दोनों के बीच में आने वाले समय में ये लोग यही करेंगे वो मानना लाजमी होगा। मैं ब्रिजेश जी के साथ पूर्णतः सहमत। एक बड़ा ड्रीम सा प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का भी और भारतीय उनका भारतीय रेल का भी, वंदे भारत ट्रेन, जिसको इस समय खूब झंडी प्रधानमंत्री खुद दिखा रहे हैं। उसकी एक वीडियो कांग्रेस नेता है कृष्णा अल्लावारू, उनके द्वारा शेयर की गई, जिसमें एक ट्रेन का इंजन जो है वो वंदे भारत को खींच के ले जा रहा है। उनके साथ जो उन्होंने लाइन चिपकाई है, जो लाइन लिखी है, उन्होंने ये लिखा है कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठाती है कांग्रेस के 70 सालों के इतिहास पर, उसी तरीके से उन्होंने लिखा है कि 9 साल का झूठ जो है वो पिछले 70 साल का सच धोने का काम कर रहा है। यानी बीते 9 साल में जितने वादे और जितने झूठ बोले गए उसको पूरा वो ढो रहा है, वही इतिहास जो 70 साल से चला आ रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी करके उसके ऊपर सवाल उठाती है। बहुत जनरल बढ़िया, सर, इसको दिखाते तो अच्छा लगता। जी वो चक्कर वो कि वीडियो जो है वो अभी वीडियो हो सकता है अभी शाम वाले कार्यक्रम में मैं दिखवा दें, अगर हम लोग के पास उस पे वो हम लोग को पुष्ट रूप में मिल जाती है उस तरीके से ओरिजिनल वीडियो। तो जरायन सर, वंदे भारत को लेकर के जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री एक के बाद एक इनॉग्रेट कर रहे हैं, झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके अनुपस्थिति में और कोई उसको दिखा नहीं सकता है, तो ये इस तरीके का सीन, ये कौन सा विकास है प्रधानमंत्री का, कौन सा विकास है भाजपा का ये? पहली बात तो यह है कि ये फ्यूडल मेंटालिटी है। इस देश में जो भी अच्छा होता है वो मैं करता हूं, तो वो राजा बोला रात है वाली बात है। मैं पूरी कविता सुधारे की झंझट में नहीं पड़ता, ये जानी हुई कविता। दूसरी एक कविता गुजराती में चलती है, राजा नंगा है। सब बोलते हैं राजा ने नए कपड़े पहने, राजा ने ये पहना है, राजा ने कुछ नहीं पहना होता। तो एक बालक बोलता है अरे राजा नंगा है। तो अब ये बालक बुद्धि भी समझने लगी है कि क्या है। तीसरी बात जो आपने कही बहुत रमूज इसलिए पैदा करती है क्योंकि डबल इंजन की सरकार ऐसी होती है, एक इंजन टूटा हुआ होता है, नहीं चलता, दूसरा लगाना पड़ता है। तो यही डबल इंजन है इनका, और ये सही मायने में है, सही है। उन्होंने राज्य सरकारों, जहां जहां उनकी राज्य सरकार है उनके इंजिनों को फेल कर दिया है। वो नाम के इंजिन है, यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री नाम के वास्ते भी कोई निर्णय नहीं ले सकते। उनके साथ 3 तो सीनियर आईएएस अधिकारी रखे हैं, जिनको पूछे भी ना वो पानी भी नहीं पी सकते। तो ये इंजिन जो है राज्य सरकार वाला, वो इन्होंने फेल कर दिया है, इसीलिए दूसरा इंजिन वहां दिल्ली से आता है। कहीं ना कहीं सच तो सतह पे आ जाता है। जी